Hello everyone, welcome again, welcome to the new lecture of probability. Probability के आज के वीडियो में हम बेस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, जो लास्ट वीडियो हमने करी थी प्रोबेबिलिटी में, उस पर हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे, कुछ थ्योरम्स करी थी और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था. तो काफ़ी वीडियोज़ प्रोबेबिलिटी के पहले भी हो चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के उन वीडियोज़ के लिंक से वीडियोज़ देख सकते हैं. तो बेस थ्योरम स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है, जिससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है हमेशा. ये जो बेस थ्योरम है ये बेसिकली बेस्ड है बहुत सारे इवेंट्स के लिए. अभी तक दो इवेंट्स के बारे में पढ़ते हुए आ रहे थे, तो यहाँ पे B1, B2, BN बहुत सारे म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स हैं. म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, सब सेट्स अलग अलग डिसजॉइंट्स हैं. और हर एक सेट में अगर आप किसी भी सेट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, यानी कि जीरो के अलावा आएगी. और आपको पता है कि जीरो से कम तो आ नहीं सकती, इसका मतलब पॉजिटिव होगी. वो हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव दी है. और उसके बाद कोई एक इवेंट ए आपको दिया हुआ है, इसी में से कोई एक इवेंट हमने ए लिया अलग, आपको एक इवेंट ए अलग से दिया हुआ है, विच इज़ अ सबसेट ऑफ द यूनियन ऑफ बी आई. जितने ये यूनियंस हैं इन सब का सबसेट है कौन, ए. तो अगर आपको पी बी आई अपॉन ए निकालना है, यानी कि ए इवेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ए इवेंट हो चुका है, ए इवेंट होने के बाद इन्हीं में से किसी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो इक्वल टू क्या है, पी बी आई, यानी कि जिस इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी प्रोबेबिलिटी ए के होने से पहले, इंटू पी ए अपॉन बी आई, मतलब बी आई हो चुका है और उसके बाद ए होने की प्रोबेबिलिटी वो न्यूमिनेटर में आएगा और अपॉन में ये जो समीशन है, यानी कि पी बी वन इंटू पी ए अपॉन बी वन प्लस पी बी टू इंटू पी ए अपॉन बी टू, इस तरीके से जितने इवेंट्स हैं वो सारे इवेंट्स का समीशन नीचे आ जाएगा. तो ये बेस थ्योरम है, ये फॉर्मूला है बेस थ्योरम का. इसको कैसे अप्लाई करना है उसके लिए मैंने आपको एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा हुआ है. इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए बी सी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 30%, 25%, 35% ऑफ द टोटल आउटपुट. ए का जो आउटपुट है वो कितना है, 30%, बी का 25% और सी का 35%. आउट ऑफ दीज आउटपुट्स 4%, 3% एंड 2% आर डिफेक्टिव बोल्ट्स. इतने जो डिफेक्टिव होने के जो इवेंट्स हैं वो 4%, 3% और 2% है ए बी सी में. इफ अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट द एंड इज फाउंड डिफेक्टिव, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन ए. इवेंट्स मान लेते पहले हम E1, E2, E3. E1 इवेंट हमने मान लिया, मशीन ए से बनने का जो इवेंट है वो E1, ये मशीन बी, ये मशीन सी, और एक इवेंट ई मैंने मान लिया, वो इवेंट क्या है, डिफेक्टिव होने का. अब बात करते हैं पी ई वन की. पी ई वन का मतलब क्या है कि ई वन जो है उसका आउटपुट कितना है, 30%. तो यानी कि ई वन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 30/100. पी ई टू यानी कि बी का जो आउटपुट है वो कितना है, 25%, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 25/100. और पी ई थ्री कितना हो जाएगा, 35/100. अब बात करते हैं पी ई अपॉन ई वन. इसका मतलब क्या है, ई वन हो चुका है, यानी कि किसके आउटपुट की बात कर रहे हैं, ए की. और ए के होने के बाद या ई वन के होने के बाद ई होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ई वन यानी कि फर्स्ट मशीन से कोई भी आउटपुट निकल रहा है और उस आउटपुट निकलने के बाद ई क्या था, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो कितना है, 4%, तो 4/100. ई अपॉन ई टू क्या हो जाएगा, मशीन बी में डिफेक्टिव होना, यानी कि 3/100. और पी ई अपॉन ई थ्री क्या हो जाएगा, मशीन सी में डिफेक्टिव होना, वो कितना है, 2%, यानी कि 2/100. अब आप देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय ए. ए के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ए का इवेंट क्या है, E1. तो E1 तो ऊपर आएगा, इससे पहले पढ़िए, अब बोल्ट इज ड्रॉन
एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इट इज़ फाउंड डिफेक्टिव, मतलब एक बोल्ट निकाला जा रहा है और उस बोल्ट में हम देख रहे हैं कि वो बोल्ट क्या आ रहा है, डिफेक्टिव आ रहा है. डिफेक्टिव होने के बाद, डिफेक्टिव हो गया वो बोल्ट, और डिफेक्टिव होने के बाद वो मशीन ए से बनने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि ई जो इवेंट है वो हो चुका है. तो आपको ये निकालना है, ये सबसे मेन है यहाँ पर समझना कि आपको निकालना क्या है. अब ये फॉर्मूला यहाँ से आप कंपेयर करिए, ऊपर क्या आ रहा है, जिस इवेंट की आप बात कर रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि पी ई वन इंटू पी ए अपॉन बी आई, यानी कि ई अपॉन ई वन, और नीचे इन सब का सम क्या, पी ई वन पी ई अपॉन ई वन प्लस पी ई टू पी ई अपॉन ई टू प्लस पी ई थ्री पी ई अपॉन ई थ्री. ये फॉर्मूला बस आपको वैल्यूज रख देनी है. यहाँ पे पी ई वन कितना है 30/100, पी ई अपॉन ई वन कितना है 4/100 अपॉन 30/100 4/100, पी ई टू कितना है 25/100 इंटू 3/100 प्लस 35/100 इंटू 2/100. इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, वैल्यूज मैंने इस फॉर्मूले में रख लिया है, वैल्यूज रखने के बाद आप सिंप्लीफाई करिए तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा. देखिए इसी तरीके से सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, अ कंटेंट्स ऑफ अर्न्स 1, 2, 3. अर्न्स क्या क्या है, कंटेनर समझ सकते हो आप, तीन कंटेनर है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसमें क्या है 1 white, 2 black, 3 red फर्स्ट वाले में, इस तरीके से 2 white, 1 black, 1 red सेकंड में, 4 white, 5 black, और 3 red ये थर्ड वाले में है. एंड वन अर्न इज चोजन एट रैंडम, इनमें से एक बैग को सेलेक्ट कर रहे हैं समझ लीजिए आप. टू बॉल्स आर ड्रॉन, इनमें से एक बैग सेलेक्ट किया और उसमें से दो बॉल्स निकाली जा रही है, और वो दो बॉल्स में से एक वाइट है और एक क्या है रेड है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दे कम फ्रॉम फर्स्ट सेकंड और थर्ड, आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी उसमें ये बैग 1, 2, 3 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो हम ये मान लेते हैं कि जो एक इवेंट इवन है तो ये किसको डिनोट कर रहा है, सेलेक्टिंग अर्न वन. ई टू जो इवेंट है वो अर्न टू, और ई थ्री क्या है अर्न थ्री. ये अगर हम बात करें पी ई वन की, तीन बैग्स हैं और तीन बैग्स में एक बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3. ऐसे पी ई टू भी कितना होगा 1/3, और पी ई थ्री भी कितना होगा 1/3. तो ये तीन चीज़ें तो हमने निकाल दी. अब हम बात करते हैं कि एक इवेंट हम मान लेते हैं ए, लेट ए बी द इवेंट दैट दो बॉल्स हम निकाल रहे हैं. उन दो बॉल्स में एक बॉल क्या है ब्लैक है और एक बॉल क्या है सॉरी एक बॉल वाइट है और एक बॉल क्या है रेड है. दैट द टू बॉल्स टेकन आर वाइट एंड रेड. तो जो इवेंट है ए वो एक ऐसा इवेंट है जो हम दो बॉल्स ले रहे हैं, इनमें से उनमें एक बॉल क्या है वाइट है, एक बॉल क्या है रेड है. अब अगर हम बात करें पी ए अपॉन ई वन की, तो इसका मतलब क्या है, बैग वन से हम बॉल निकाल रहे हैं, बैग वन में टोटल बॉल्स कितनी है 3, 2, 1, 6 सिक्स में से कितनी बॉल्स आप निकाल रहे हो दो बॉल्स, और उन दो बॉल्स में एक क्या होनी चाहिए वाइट, वाइट कितनी है 1, तो एक वाइट होनी चाहिए और दूसरी कितनी होनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए रेड, और रेड कितनी है 3, 3, C1. कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है फॉर्मूला, आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए. पी ए अपॉन ई टू क्या हो जाएगा, सेकंड अवर में से सेकंड अवर में कितने हैं टोटल 2, 1, 1, 4, C2, और ऊपर कितना आएगा एक वाइट होनी चाहिए यानी कि 2, C1, और एक क्या होनी चाहिए रेड, रेड क्या है 1, और पी ए अपॉन ई थ्री कितना हो जाएगा टोटल कितनी है
सी टू ऊपर कितना आ जाएगा, 4C1 इंटू रेट कितनी है 3C1। तो ये सारी वैल्यूज हमने निकाल दी। अब आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, वो जो बॉल्स निकाली गई हैं वो क्या है, उनमें से एक वाइट है एक रेड है, ये आपको दिया हुआ है, यानी कि ए आपको दिया हुआ है, और आपको बताना है कि उनमें से जो बॉल हमने निकाली है वो फर्स्ट अर्न सेकेंड अर्न या थर्ड अर्न में से कोई भी एक की होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। मतलब कहने का मतलब यह है आपको पी ई वन अपॉन ए भी निकालना है, पी ई टू अपॉन ए ये भी निकालना है, और पी ई थ्री अपॉन ए ये भी निकालना है। बेस थ्योरम का ही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये सारी तीनों कैलकुलेशन आपको निकालनी है। क्वेश्चन को मैं अब हटा दे रहा हूँ। अगर मुझे पी ई वन अपॉन ए निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन, और अपॉन में क्या आ जाएगा, पी ई वन पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू पी ए अपॉन ई टू प्लस पी ई थ्री पी ए अपॉन ई थ्री। सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट करी हुई है। पी ई वन कितना था 1/3, ए अपॉन ई वन कितना है ये निकाला हुआ है। ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, सारी वैल्यूज़ निकाल के मैंने लिखी हुई है, आपको पी ई वन अपॉन ए मिल जाएगा। पी ई टू अपॉन ए में क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा पी ई टू पी ए अपॉन ई टू, सिर्फ चेंज यहाँ पे होगा और नीचे फिर से वही सारी वैल्यूज आएंगी। और पी ई थ्री अपॉन ए में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा न्यूमिरेटर में और अपॉन में फिर से वही आएगा। और ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाली हुई है, ये सारी वैल्यूज़ आप सब्स्टिट्यूट करिए तो आपको ये तीनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो बेस थ्योरम मैंने आपको बताई, उसका फॉर्मूला बताया, और उस पर बेस्ड मैंने आपको दो न्यूमेरिकल्स भी बता दिए। अब इन दोनों क्वेश्चंस को करने के बाद बुक से इसी टाइप के और क्वेश्चंस बेस थ्योरम पे जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए उनकी भी प्रैक्टिस करिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं।